आज जिला कलेक्टर भरत यादव ने जिले के सभी प्राइवेट संस्थानों व मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किराएदारों से किराए के लिए दबाव ना बनाएं व वहीं व्यवसायी अपने वर्करों को उनका वेतन दें व प्राइवेट स्कूल संचालक अनावश्यक रूप से बच्चों पर फीस का दबाव ना डालें और स्टडी मटेरियल के लिए उन पर दबाव ना डालें और इस समय सभी को सहयोग करने की बात की है। हालांकि कलेक्टर भरत यादव ने प्राइवेट सेक्टर के मालिकों व प्राइवेट स्कूल संचालकों व मकान मालिकों की परेशानी को भी समझा है, साथ ही उन्हें सबका साथ देने की बात की है। साथ ही सभी समाज सेवी संस्थाओं और गरीब जरूरतमंद की मदद करने वालों के लिए कहा कि वे मदद करते समय फोटो खिंचवाने में व्यस्त न रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। आ रही है कि किराएदारों से मकान मालिक किराया मांग रहे हैं, कुछ लोगों पे अब इसमें भी FIR दर्ज हो जाएगी। कृपया करके सहयोग करिए, अभी किराया ना मांगिए। जो भी किराएदार हैं उनकी मजबूरी को भी समझिए। मकान मालिक भी कई ऐसा नहीं है, मकान मालिक भी समस्या में होंगे, उनका भी रोजगार चल गया, हो सकता है वो मकान किराए से ही उनका खर्चा चलता हो, लेकिन किराएदार का तो और ज़्यादा समस्या है। उस सोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा। इसी तरह से प्राइवेट क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी व्यवस्था के हों, चाहे वो जो है होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, या कोई स्कूल वाले लोग हों, स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं, या अन्य कोई भी जो है दुकानदार के प्राइवेट कर्मचारी हों, उनका भी सभी लोग ध्यान रखें, उनकी तनख्वाह टाइम पे दें, उनका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, उनका हम ध्यान रखें। इसी तरह से प्राइवेट स्कूल से भी आग्रह है, अपील है और निर्देश भी जारी किए हैं कि अभी किसी व्यक्ति से फीस जो है अभी ना लें, उसमें जो है सहयोग करें और अभी इस तरह के कहीं ये ऐप बना के और कहीं इस तरह से अभी ना करें। आपको टाइम मिलेगा, वैसे भी अभी तो वैसे भी छुट्टियां हो जाती हैं, अगर बच्चों की जो है अभी अगर नॉर्मल समय भी होता तो उसमें भी सहयोग करने की ज़रूरत है। कोई प्रेशर ना बनाइए किसी को फीस भरने के लिए, सबको मिलके इस चैलेंज को निपटना है। आपको भी प्राइवेट स्कूलों को भी अपने कर्मचारियों का टीचर्स की तनख्वाह देना है, मानता हूँ वो भी एक आपका बड़ा खर्चा है, लेकिन अभी जो समस्या है, अभी जो चैलेंज है, उसमें आपको अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी देना है और लोगों से फीस नहीं लेना है, लोगों से फीस लेने के लिए दबाव नहीं बनाना है। कोई इस तरह का मटेरियल स्टडी इस तरह का ज़बरदस्ती नहीं थापना है। अगर बच्चे उसमें कर सकते हैं घर बैठ के तो कराएं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश ना करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। उसमें राज्य शासन स्तर से भी निर्देश जारी होने वाले हैं, इसलिए मैं अपने स्तर से निर्देश जारी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षा विभाग राज्य शासन स्तर से एक दो दिन में उसमें निर्देश जारी करेगा।